स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है डैम्ड ऑसिलेशन आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ये आर्टिकल भी प्रीवियस आर्टिकल फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन से रिलेट करता है जिसमें उन्हें फोर्स ऑसिलेशन में ये कहा था कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है फिर हमने उसे नेक्स्ट आर्टिकल डिस्क्राइब किया था जिसमें हमने कहा था कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो हम सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं वो पीयोडिक होनी चाहिए लेकिन आज के हमारे आर्टिकल में ये फोर्स पेडिक नहीं होनी चाहिए ठीक है जिसकी वजह से एम्पलीटूड इंक्रीज नहीं होगा जबकि एम्पलीच्यूड की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम पे एक्सटर्नली एक्ट करने वाली फोर्सेस फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं या रेजिस्टिव फोर्सेस हैं तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन इस तरह से बनेगी कहता है कि द ऑसिलेटिंग सिस्टम इन विच एम्प्लीट्यूड Decreases with time and energy is dissipated from system. दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम इज नोन एज डैम ऑसिलेशन ठीक है इस तरह की ऑसिलेशन को हम क्या नाम देते हैं डैम ऑसिलेशन का नाम देते हैं अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल देखते हैं इसकी एग्जाम्पल है एब्जॉर्बर इसके बाद फ्रेंड्स एक और छोटी सी डेफिनेशन है जिसको उसने लिखा हुआ है डैम्पिंग तो फ्रेंड्स डैम्पिंग क्या चीज होती है कहता है कि The process in which energy is dissipated from oscillating system. ज नोन एज डिंग ठीक है अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो देखिए वो किस तरह से बनेगा? स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर हम वैल्यू ले, ले लेंगे टाइम की और वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू आ जाएगी एम्पलीट्यूड जिसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज द अपर वैल्यू पॉजिटिव एक्स नॉट आ जाएगा दिस इज द लोअर वैल्यू ये माइनस एक्स नॉट आ जाएगा अगर हम डैम्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम इस तरह से कर्व बना लेंगे दोनों साइड से और ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा कि एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्लाइटली डिक्रीज करता जा रहा है और आखिरकार वो जीरो हो जाता है तो फ्रेंड्स डेम ऑसिलेशन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा अब हम इसकी सेकेंड टाइप डिस्क्राइब करते हैं ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज नहीं करती जिसको अनडेम्ड ऑसिलेशन कहा जाता है तो आइए देखते हैं अनडेम्ड ऑसिलेशन स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन बनेगी The oscillating system in which amplitude remains constant is called. अनडेम्ड ऑसिलेशन और स्टूडेंट्स तो इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी अब चूंकि ये अनडेम्ड ऑसिलेशन है तो ये एक आइडियल केस बनेगा तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ आइडियल सिंपल पेंडुलम और स्ट्रेंट्स अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो इस तरह से बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम की वैल्यू डिस्क्राइब करेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव अब इसमें चूंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है इस वजह से इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि थ्रू आउट ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम ठीक है स्टूडेंट्स तो ये है हमारे पास दो टाइप्स डैम्ड ऑसिलेशन और अनडैम्ड ऑसिलेशन डैम्पिंग की रीजन फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है और अनडैम सिस्टम में हम तमाम किस्म के फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं ठीक है स्टूडेंट्स आइए अब इसका नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं विच इज शार्पनेस ऑफ स स्टूडेंट्स शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलोंग एक्सेक्सेस और एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी अलोंग वाई एक्सिस अब हम इसमें तीन डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स कंसीडर करेंगे एक वो सिस्टम जिसमें डैम्पिंग बहुत ज्यादा होती है एक वो सिस्टम जिसमें डैम्पिंग की वैल्यू इंटरमीडिएट होती है और एक वो सिस्टम जिसमें डैम्पिंग बहुत स्मॉल होती है तो तीन डिफरेंट कर्व्स हमारे पास आ जाएंगे ठीक है ये जो इसमें कर्व नजर आ रही है दिस इज द सिस्टम जिसमें डैम्पिंग स्मॉल होती है स्मॉल डैम्पिंग ये वो सिस्टम है जिसमें मीडियम डैम्पिंग होती है और ये वो सिस्टम है जिसमें लार्ज डंपिंग होती है ये जो पीक्स हैं ये सारी एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगी एंड दैट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा एफ आर वेयर एफ आर रिप्रेजेंट्स द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अब स्टूडेंट्स इन ग्राफ से हमें क्या बात पता चलती है तो देखें सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्मॉल डैम्पिंग होगी उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है तो इसको हम पॉइंट नंबर वन लिखते हैं द एम्पलीट्यूड will be large when डैम्पिंग इज स्मॉल ठीक है स्टूडेंट्स उसके बाद हम कह सकते हैं इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो ये इस तरह से लिखी जा सकती है कि डैम्पिंग Prevents amplitude from becoming sufficiently large. कि डैम्पिंग डिट्यूड को बहुत ज्यादा लार्ज होने से रोकती है अब स्ट्रेंड्स इसके बाद एक और पॉइंट देखें कि अगर हम इसी कर्व के ऊपर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कुछ थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंसीडर कर लें ऑन आइदर साइड तो अगर हम इस पे देखते हैं तो हमें यह पॉइंट मिल जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखें तो एम्पलीच्यूड का डिक्रीज बहुत ही ज्यादा है चाहे आप स्मॉलर फ्रीक्वेंसी पे जाए या आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी लार्जर फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाए तो दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट जो है वो इसी तरह से आते हैं कि एम्पलीटूड की वैल्यू लार्जली डिक्रीज करती है जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा चेंज करते हैं यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज कर लें या थोड़ा डिक्रीज कर लें। तो इसके रेस्पेक्ट से हमारे पास पॉइंट बन जाएगा एम्प्लीट्यूड डिक्रीजेस रैपिडली एट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ठीक है स्टूडेंट्स इसके बाद जैसे जैसे आप तीनों कर्व्स को देखते हैं लार्ज डैम्पिंग की कर्व इसमें शार्पनेस आपको नजर नहीं आ रही मीडियम डैम्पिंग में पी कुछ बन जाती है जबकि स्मॉल डैम्पिंग में पी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है तो इसके लिहाज से हम लिख सकते हैं एम्पलीच्यूड एज वेल एज शार्पनेस बोथ डिपेंड्स डिपेंड अपॉन डेंपिंग अब स्ट्रेंड्स डेंपिंग से इनका क्या रिलेशन होगा तो जिस कर्व का एम्प्लीट्यूड ज्यादा होता है उसमें शार्पनेस भी ज्यादा होती है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा और जिस सिस्टम में एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पे डैम्पिंग क्या होती है स्मॉल इसका मतलब यह है कि डैम्पिंग का इन दोनों क्वांटिटी से इनवर्स रिलेशन बन जाएगा तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इफ द डैम्पिंग इज स्मॉल एम्पलीट्यूड इज लार्ज, एज वेल एज शार्पनेस इज ऑल्सो लार्ज और अगर हम कहें कि डैम्पिंग की वैल्यू है लार्ज है तो डैम्पिंग लार्ज होने की वजह से क्या बन जाएगा एम्प्लीट्यूड की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी और शार्पनेस भी स्मॉल हो जाएगी जो कि हमें इस कर्व से नजर आ रहा है और फाइनली हम नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखते हैं हैंविली डैम सिस्टम हम इसकी बात कर रहे हैं ठीक है हेविली डैम सिस्टम हैज फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व ठीक है जो रेजोनेंस कर्व होती है उस सिस्टम के लिए जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा सिस्टम से डिसिपेट हो रही है उसके लिए वो फेयरली फ्लैट होगी यानी कि तकरीबन वो वैल्यू फ्लैट नजर आ रही होगी आइए स्टूडेंट्स अब इस प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक रॉड है ए बी जिसको आपने दो स्ट्रिंग्स एस वन और एस टू की मदद से एक रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है अब इस रॉड के साथ हम दो पेंडुलम अटैच कर देते हैं जिनकी लेंथ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसीज आपस में सेम हैं। लेकिन पेंडुलम ए के साथ जो मैस हमने अटैच किया हुआ है दैट इज अ पिथ बॉल और पेंडुलम बी के साथ जो मैस हमने अटैच किया हुआ है दैट इज अ लेड बॉल बॉल्स आप लोगों को पता है कि पिथ बॉल का एनर्शिया कम होता है जबकि लेड बॉल का एज कंपेयर टू पिथ बॉल एनर्शिया बहुत ज्यादा होता है अब इस प्रोसेस में हमने रेजोनेंस प्रोड्यूस करनी है तो रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए इन दोनों पेंडलम्स को हमें वाइब्रेट करवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एन अदर पेंडुलम ंग द सेम लेंथ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी तो हम क्या करते हैं एक पेंडलम सी को उसी रॉड ए बी से अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद सी पेडलम को उसकी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस कर देंगे डिस्प्लेस करने के बाद पेंडलम सी की डिस्टर्बेंस रॉड ए बी में शिफ्ट होती है और रॉड ए बी से वो डिस्टर्बेंस पेंडलम ए और पेंडलम बी में शिफ्ट हो जाएगी अब फ्रेंड्स रेजोनेंस के आर्टिकल में हमने ये बात पढ़ी हुई थी कि अगर तो डिराइविंग फोर्स जो कि यहां पे पेंडुलम सी है इसकी फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और यहां सिस्टम किस चीज को हम नाम दे रहे हैं पेंडुलम ए और पेंडुलम बी को इनकी फ्रीक्वेंसी से आपस में मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू ऐसा ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो स्टूडेंट्स चूंकि तीनों पेंडलम्स की लेंथ आपस में इक्वल है इस वजह से एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी रेजोनेंस का फिनोमन अगर होगा लेकिन हम यहां पे देख सकते हैं कि पेंडलम ए जिसका एनर्शिया कम है इसका एम्पलीट्यूड भी कम है जबकि पेंडलम बी जिसका एनर्शिया है इसका भी ज़्यादा है। अब उसकी रीजन ये है कि दोनों पे एक्ट करने वाली रेजिस्टिव फोर्स सेम है अब जिस पेंडलम का एनर्शिया कम है तो रेजिस्टिव फोर्स उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर लेती है आसानी से जबकि पेंडलम बी का एनर्शिया चूंकि ज्यादा है तो सेम मैग्नीट्यूड की रेजिस्टिव फोर्स उसके एम्पलीट्यूड को कम नहीं कर सक रही इस बात से हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सिस्टम में लॉस ऑफ एनर्जी सिस्टम की शार्पनेस को इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स ये है आज का हमारा आर्टिकल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज